हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके कलाम प्री थर्ड ग्रेड के नाम से आज की डेट यानी 22 जनवरी को ये परीक्षा कंडक्ट कराई गई है। तो इसमें क्या आंसर हो सकते हैं हम देखेंगे। जो सभ्यताओं से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा ये रहे थे, ठीक है। तो पहला पूछा था जो बालातल सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य है वो किन के द्वारा किया गया था। तो इन चार ऑप्शनों को देखें तो वो प्रोफेसर बी.एन. बेसिले द्वारा किया गया था। और ये भी मालूम होना चाहिए ये सभ्यता है किस नदी के तट पर है और यह नदी संबंधित है, साथ ही साथ ये उत्खनन करता और किस डिस्ट्रिक्ट में। ये मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और इनकी विशेषताएं तो हैं कॉमन। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था जो सम्मिलित नहीं है, एक तरफ आपको पुरातात्विक अवशेष है दूसरी तरफ स्थल थे, इसमें से जो कह सकते हैं संबंधित नहीं है वो चूज करना था। तो वो आपकी जो रोमन एम्पोरा है वो बेराट से संबंधित नहीं थी, ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही थे। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन ये पूछा था देवारी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, पर्टिकुलर डेट थी तो ये 1708 में, ये हुआ था आपके मेवाड़ और आपके मारवाड़ के मध्य में। नेक्स्ट है जयपुर में जो मदरसा ही हुनरी है इसका नाम बाद में चेंज भी किया गया था, वो भी डेट पूछी जाती है तो ध्यान रखना। ये सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ये मदरसा ही हुनरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये आपकी की गई थी वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं कि किन किन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन के मध्यकालीन राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन बताना था, ये क्वेश्चन अच्छा था। इसका राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी तीन नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये था क्रांतियों से संबंधित कि नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस छावनी को लूटा, यानी लूट ले गए थे उसे, तो ये देवरी टॉप में पड़ती है उसे लूट ले गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका छह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां पूछा था कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के प्रथम कह सकते हैं राजस्थानी कौन थे, यानी जो प्रथम बार राजस्थान में मिला था तो पीलू सिंह थे, फिर सेकंड कौन थे वो शैतान सिंह थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन था सुमिलित नहीं है और ये एक तरह से देखा जाए तो प्रजामंडल थे एक दो और चार, ठीक है। जो बीकानेर है राज्य परिषद है यानी प्रजा परिषद थी, सॉरी प्रजा परिषद थी, तो ये बलवंत सिंह मेहता के द्वारा नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बाकी सभी सही थे। यानी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मिट्टालाल व्यास ने की थी और डूंगरपुर की भोगीलाल पांड्या और आपके झालावाड़ मांगीलाल भप्प के, जबकि ये बीकानेर की है इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दसवां था जो भील जनजाति के उत्थान हेतु जल और जंगल व जमीन आंदोलन किसके द्वारा चलाई गई थी या किनके द्वारा ये प्रमोट किया गया था, तो ये बाबा बालेश्वर दयाल जी हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, ये है 11वें नंबर का क्वेश्चन कि राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स में या कॉमन्स में उठी थी, तो ये उठी थी। आप देखें इन चार ऑप्शनों को ध्यान से तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। जो आपका सीकर का किसान आंदोलन था ना ये उसी से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां पूछा गया था ये था रियासतों का एकीकरण से संबंधित था, इसमें क्रम बताना था आरोही क्रम यानी शुरुआत सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार का, तो इसमें से यही क्रम हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसमें पूछा था कि खेजड़ी आप कह सकते हैं इसे राजवृक्ष कब घोषित किया गया था, तो वो आपके 31 अक्टूबर 1983 को। ये आपको बताना है कि जो 22 दिसंबर को या कह सकते हैं दिसंबर 2022 में राज्य सरकार द्वारा चार विभागों में पांच योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम के थ्रू ये लागू की गई थी या शामिल की गई थी, तो इन पांच योजनाओं में जो शामिल नहीं है वो बतानी है। देखो ये थी और ये थी, लेकिन जो आई एम शक्ति उड़ान है ये शामिल नहीं की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां इस प्रकार पूछा था, एक तरफ खिलाड़ी दे रखे हैं उनका खेल दे रखा है, तो सुमेलित नहीं वो चूज करना है, तो कृष्ण नागर वो पैराशूटिंग से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से बताना है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है वो चूज करना था, तो वो इसमें जाएगा बाड़मेर, ठीक है। बाकी ये सही थे तो ऑप्शन नंबर छः सही हो जाएगा। एक तरफ आपको उद्योग दूसरी तरफ उनका स्थान दे रखा है और इसमें पूछा गया सही पूछा कूट बताने हैं ये नीचे तरफ दे रखे हैं, तो अगर आप इन्हें मिलाओगे तो देखो जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है ये आपका है तो इसका ऑप्शन नंबर दो ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का क्या पूछा था, इसमें पूछा था
इसमें पूछा था कि दिलवाड़ा जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर नहीं है, तो वो आपका पीतल लहर है, ये संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 था कि 7-8 अक्टूबर 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में लगभग कितने करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षर हुए थे, तो वो आपके 10.44 लाख करोड़ रुपए का हस्ताक्षर हुए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आपसे इस प्रकार पूछा था कि फलों के प्रसंस्करण द्वारा आजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आजीविका का किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षर हुए थे। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हुए थे आपके जोवा की एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 प्रकार पूछा था कि अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया था, तो वो आपके नाथ द्वारा राजस्थान थे, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपको किया गया है राजीव अरोड़ा को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि वर्ष 2022 राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, तो अम्बा बोल सकते हैं, अलेखु अम्बा के नाम से जो कृति थी उनके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट था, हाल ही में चर्चा रही निशा कवर कौन सी केस से संबंधित थी, तो ये आपकी शूटिंग यानी निशानेबाजी से थी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 पूछा था, वो इस प्रकार पूछा था कि निम्न में से जो मल्लीनाथ के संबंध में असत कथन बताना था, इनका कह सकते हैं बाटी शिष्य थे, जो आपके उमसी थे इनके बाटी शिष्य थे, ये भी बात सही है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है, ये भी बात सही है। और 1339 में मारवाड़ा, ये भी सही था। और लास्ट का ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी 1378 में मोहम्मद गौरी को प्राप्त किया, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका जो 27 नंबर का, ये कह रहा है सूची फर्स्ट एक तरफ सेकंड है और मिलान करना है, ठीक है, तो नंबर 2 सही हो जाएगा। संत मावा जी का संबंध रहा है वो आपके कह सकते हैं निष्कलंक संप्रदाय से, और हरिदास का रहेगा आपके निरंजनी से, और जो रामचरण है उनका संबंध रहेगा रामचनी से, बाकी जम्बू जी तो वैष्णवी जो आपके संबंधित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी है नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि बीकानेर जिले के कुड़ायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित नहीं है, ये आपके आभूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी नुपुर है वो गले में पहनी जाती है, ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। इसमें से हमें बताना था कि पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की अपनी एक विशेषता थी, तो वो आपकी नागौर शैली बोल सकते हैं, तो ये इसी से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पर, चित्तौड़गढ़ का बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका संबंधित है जो काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि तो खाना मस्जिद जो पूर्व में जो परमा शासक भोज हुआ करते थे उनके द्वारा ये संस्कृत पाठशाला निर्मित की गई थी, तो ये किस दुर्ग में बनी हुई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर फोर्ट में, यानी जालौर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है कि डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो आपकी प्रीमल देवी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, इसमें से आपको कूट का चयन करना था जो सही थे, 34 क्वेश्चन था, तो इसमें से अगर देखा जाए, अगर इन ऑप्शनों को, जैसे बालर केवल पुरुष प्रधान कह सकते हैं नृत्य हैं, तो ये गलत है, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों ही किए जाते हैं, इसमें कोई वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, और बालर जो नृत्य है वो गरासिया जनजाति पाई जाती है आपकी सुरोई में, तो कह सकते हैं पहला गलत है, बाकी दोनों सही थे, तो 2-3 यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डूनाड़ की उपबोली नहीं है, यानी जयपुर के देखो ऊपर में बोली जाती है यानी उत्तर की तरफ, जो सीकर झुंझुनू लगता है तुराबाटी, और राजा बेटी है वो शायद कह सकते हैं जयपुर के पूर्व और दौसा के पश्चिम है, और नागरचूल है ये दक्षिण की तरफ बोली जाती है, तो जो गौड़बाटी है ना ये तो आपकी जालौर सिरोही की तरफ बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये इसकी उपबोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, ये बताना था ये सत्यकूट कौन से है इसमें से, ठीक है, ये कूट दिए गए और इन्हें यहाँ से देख के आपको चूज करना था, देखो इसमें से 36 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और ये तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से जो गलत था वो चूज करना था,
तो आप जानते होंगे जो राजकवि सूर्यमल मिश्र ने, उनकी इस प्रकार की कोई सेनानी नाम की कोई कृति नहीं थी। तो आप जानते होंगे उनकी तो 20 शतशाही वगैरह थी ना। जो 38 नंबर था ये बताना था कि इसमें से जो नथमल जोशी का उपन्यास नहीं है तो वो आपका जोग संजोग, ठीक है, ये इस प्रकार का ये इनकी कृति नहीं थी या उपन्यास नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 39 का। ये विजयदान देवता से संबंध पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, विजयदान देवता के बारे में असत्य कथन बताना था ना, ये सही था, मतलब जोधपुर में जन्म हुआ था। और इनकी जो कह सकते हैं जो इन्होंने कृति यानी कह सकते हैं इन्होंने जो कथा लिखी थी दुविधा, उस पर मूवी भी बन चुकी है, ये भी बात सही है। लोक संग्रह वातारी फुलवारी 24 घंटों में है, ये भी बात सही है, ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा पूछी भी जाती है। और ये गलत है, यानी इन्हें पद्म श्री 2012 में नहीं मिला था, शायद हो सकता है राजस्थान रत्न मिला था 2012 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक तरफ दे रखी है आपको फसल, उसकी उपज से संबंधित किस्म दे रखी है, किस्म, ठीक है। और इसको आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो हम कहेंगे जो गेहूं है वो आपको मिला दो राज 3070 से, और चना है उसे मिला दीजिए आप है दाहोद येलो से। इसके अलावा बाजरा मिल जाएगा आपका RHB 30 से, और मक्का मिल जाएगा माही कंचन से, मक्का मिल जाएगा माही कंचन से। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपको एक तरफ नदी दे रखी है, उसकी सहायक नदी बतानी है कौन सी सही है, इस प्रकार आपको कूट से ही चयन करके बताना है। तो देखते हैं बनारस की कह सकते हैं साबरमती, ठीक है, बाकल हो जाएगी साबरमती की सहायक नदी। इसके अलावा बनारस बनारस की हो जाएगी डाई, इसके अलावा सागी हो जाएगी आपकी, सागी हो जाएगी लोनी की, ठीक है। बाकी बची अनास माई की हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये बताना है कि वन्यजीव अभयारण्य जिले से सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। शेरगढ़ 12 में भी है और धौलपुर में भी है। तो शेरगढ़ तो वैसे किला है, ये आपके 12 में भी है और अभयारण्य भी है, यानी कह सकते हैं वन्यजीव अभयारण्य। बंद बरेठा या बारेठा बोलते हैं, भरतपुर सही है। केसर बाग भी धौलपुर सही है, लेकिन जो सवाई मानसिंह है वो आपका जयपुर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, बिल जनजाति के संबंध में असत्य कथन बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इनकी पंचायत का मुखिया हो वो सैलोत नहीं करा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का रहा है, इनसे संबंधित बताना अधिकतम और कम। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम रहा था आपके पाली का और सबसे कम रहा है धौलपुर का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको आरोही क्रम में चोटियां बतानी है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली आएगी डोरा पर्वत जो आपका जालौर में है, फिर उसके बाद खो, फिर सज्जनगढ़, फिर दौनिया डूंगर। ये अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46वां, के इन सेप्टी सेल्स यानी जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है ना, उसी से संबंधित ये मृदा यानी कह सकते हैं यहाँ के उर पास में कौन कौन से जिले हैं जो फसलें करते हैं, इन सेप्टी सेल्स मृदा पाई जाती है उन जिलों में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जानते होंगे पाली में भी है, भीलवाड़ा और सिरोही, बाकी ऐसे ऑप्शन नहीं थे जो कह सकते हैं आपकी अरावली पर स्थित हों। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कौपिन के जलवायु आप बताने हैं, ये 4 प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा प्रकार है वो संबंधित नहीं है। अगर ध्यान से देखें इन ऑप्शनों को तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। CWG बोले तो MP जो जिनमें LP सॉल्ट मृदा पाई जाती है वो मोस्टली सभी जिले आ जाते हैं। ध्यान रखना है सीकर है, सीकर और झुंझुनू ये आते हैं BSHW में, ठीक। तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एकमात्र स्थान जहाँ पर उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है, तो ये आपके अब मालूम होगा, ये आपके 12 में पड़ती है, रामगढ़ 12। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मिलान करने थे, यानी मिलान करने थे, जिनमें से गलत है वो चूज करना है हमें, मिलान नहीं करने, केवल जो गलत है वो चूज करना है। तो हम जानते हैं जो बॉलेस्टोनाइट है वो आपके कुशलपुरा जनकपुरा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुज जो राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर का है, ये पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है
तो वो चूज करना है। अगर ध्यान से देखें इसे, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है ना, ये 2019-19 में स्टार्ट नहीं की गई, ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। असत कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सोलर वन है वो अरावली के पश्चिम में स्थित हैं, तो ये कहना गलत है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति जो परियोजना है वो किस गाँव में स्थित है, तो ये आपकी स्थिति जो थुम्बली गाँव है ना जो बाड़मेर में उसमें संबंधित थी, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, इसमें ये बताना था किस प्रकार का कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह इनमें, तो हम जानते हैं इनमें करते हैं हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 55 नंबर क्वेश्चन था, इसमें से बताना था आगम युक्तियाँ का मतलब हो जाएगा इनपुट, तो इनपुट से संबंधित थी आपकी ट्रैक बॉल, डिजिटल डाई और आपका माइक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें उपयुक्त की जाती है या प्रयुक्त की जाती हैं, तो हम जानते हैं इनमें की जाती है माइक्रोवेव, ठीक है, ज़्यादा दूरी के लिए हम माइक्रोवेव का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें से जो नेविगेटर है ना वो आपका संबंधित नहीं है सर्च इंजन से, ठीक है, यानी जो गूगल यूज करते हैं आप, याहू और बहुत सारी चीज़ें हैं, विस्टा वगैरह ये है, MSN है, वाइदू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज करते हैं सर्च करने के लिए। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प जो गवर्नेंस के चार स्तंभों का दर्शाता नहीं है, यानी कह सकते हैं जो कंप्यूटर के पांच क्वेश्चन है ये उनसे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन। क्वेश्चन नंबर ये बताना है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा RTE एक्ट अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित के संशोधन में 6 से 8 वर्ष के दिव्यांग बालकों के लिए एक विशेष शिक्षक का प्रावधान किया गया है, तो उनकी संख्या बतानी है। इसमें से ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक में 10 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 20 है और चौथे ऑप्शन में 30 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 15 बालक हैं उन पर एक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जो क्वेश्चन नंबर था आपका ये तो हमने कर लिया है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 60वां ये पूछा है, ठीक है, इसमें पूछा है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में बाल अधिकार के संरक्षण की बात कही गई है, तो आप जानते होंगे इसे, इसमें 4 में बात की गई है, 4 का मतलब मेरा यह है कि ऑप्शन नंबर 4 है, अध्याय 6 की बात की जाती है बाल संरक्षण से संबंधित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया था। 61 नंबर क्वेश्चन RTE एक्ट 2009 के तहत असत कथन बताना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका गलत हो जाएगा, यानी धारा 33 के तहत राज्य सरकार परिषद के जो गठन की उल्लेख करती है इस प्रकार का ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताना था कि नियमावली 2011 के अनुसार या नियम 5 के तहत विद्यालय की जो विकास योजना कितने वर्षीय होती है, यानी जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं वो 3 वर्षीय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नियमावली जो आपकी 2011 है इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, तो वो आपको बताना है कौन से नियम के अनुसार, तो वो 22वें नियम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 था कि RSCERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समय अवधि के लिए किया जाता है, सिंपल क्वेश्चन था यानी फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो रटने वाला ही क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 था, SIQE जो 2015-16 में स्टार्ट की गई थी, इसका पूरा नाम पूछा है, तो हो जाएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 66, ये पूछा है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के अनुसार या प्रावधानों के अनुसार राज्य पाठचर्या रूपरेखा विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था, वो 3 किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति जिसे हम कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोलेंगे, तो कार्यकारिणी सदस्य का सचिव कौन होता है, तो आप जानते होंगे ये प्रधान अध्यापक जी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये पूछा है स्टार यानी स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सी राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया, तो वो दच किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और कोई एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये आपका, ये पूछा गया है आपसे RTE एक्ट, ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो RTE की धारा 12 फर्स्ट ग के तहत निःशुल्क प्रवेश
निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, यानी ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको असत्य कथन कौन से है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो गलत है वो चूज करना है, तो एक नंबर और तीन नंबर ये दोनों गलत हैं, तो एक और तीन गलत हैं, बाकी सभी सही थे। ये पूछा है रायश्री योजना का उद्देश्य क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मोस्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन भी सही है, इसमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कह सकते हैं एक दो तीन और चार, ठीक है ये सभी सही हैं, और इसमें से जो चौथा ऑप्शन था वो कट गया है डी में, ये सभी आ जाएंगे, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 71 नंबर, यहाँ से होती है आपकी पर्टिकुलर साइकोलॉजी स्टार्ट, जिसके आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी सिंपल ही पूछी गई थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है एक तरफ तो आपको मनोवैज्ञानिक के नाम दे रखे, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत है, तो सिंपल था। क्रिफोर्ड है, 3D यानी थ्री डायमेंशन थ्योरी थी, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी, बुद्धि सिद्धांत में आती है, त्रिविमीय सिद्धांत बोलते हैं, और स्पीयरमैन टू फैक्टर हो जाएगी, थॉर्नडाइक बहुकारक या बहुखंड बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्स्टन है समुकारक, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये मिलान कर लेना, जो भी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका। ठीक, और पर्टिकुलर आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो वैसे तो मैंने मिला के बता ही दिया है। ये पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है, सिंपल है, दबाव हो जाएगा, क्योंकि बाकी ये नीड और ड्राइव और इंसेंटिव ये होते हैं इसके बाद। अब ये बताना है कि सुमेलित नहीं है, और सिंपल ही क्वेश्चन था, जो चिन्ह प्रतिमान का नियम है जिसे ही हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं, ये टॉलमैन से संबंधित है, बार्नुरा का जो अनुभवजन्य है ना ये इसका नहीं है। ठीक है, भावना शास्त्री में अनुबंधन से संबंधित है, जिसे सीआर थ्योरी बोलते हैं, इसकी ना आरएस थ्योरी बोलते हैं, तो क्रिया प्रसूद बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा, क्योंकि बांडूरा ने तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। आपका है 74 है, ये पूछा है आपके आईजेंक से संबंधित, ये व्यक्तित्व से संबंधित है, जिस प्रकार आप है केटल की हम 16 पीएफ पढ़ते हैं पर्सनल फैक्टर वाली, इसी प्रकार आईजेंक की ये 32 वाली थी पीएफ पर्सनली फैक्टर वाली, तो इसमें ये तीन प्रकार बताए थे, जैसे कि इग्नेस देख लीजिए। ठीक है, ये बोलते हैं हम इंट्रोवर्सन वर्सेज एक्स्ट्रावर्सन या एक्स्ट्रोवर्सन बोल सकते हैं, और न्यूरोटिज्म वर्सेज हो जाए इमोशनल स्टेबिलिटी, और तीसरी थी साइक्लोटिज्म वर्सेज सोशियबिलिटी, तो हम कहेंगे ये सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, ये 75 नहीं है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है 75 नंबर, ये भी सिंपल क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन रहा है कि एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन कर लेता है, यानी ज़्यादा भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली खा लेता है या गोली ले लेता है, तो हम कहेंगे ये ऋणात्मक प्रणवरण होगा उसके लिए। ठीक है, इस प्रकार के आपने एग्जाम्पल किए होंगे, धूप का चश्मा पहनना और छाता लगा लेना, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। नेक्स्ट है ये समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, तो यानी वो प्रत्यक्ष होगी, तो ये हो जाएगा सोच समझ के लक्ष्य परिवर्तन कर लेना था अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो ये नॉर्मेटिक मनोविज्ञान नहीं होता, यानी नियामक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सृजनात्मक बालक वह हो जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, सॉरी धारा प्रवाहकता का इंग्लिश में यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है, हाँ फ्लुएंसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ओरिजिनलिटी हो, तो ये ऑप्शन सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 79, डिसलेक्सिया में शामिल होते हैं, तो हम जानते हैं डिसेबिलिटी होती है आपकी पढ़ने से संबंधित, डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो पढ़ने से संबंधित हमारे अंदर जो भी डिसेबिलिटी होंगी वो सभी डिसलेक्सिया में आ जाएगी, चाहे तो वो कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई हो या बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने में भी कठिनाई हो, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। असंगत का चूज करना था, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि मेंडल ने पृथक्करण का दिया था, बीज में ने बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया था, और जो आप कार्टन है वो जैव सांख्यिकी का नियम दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके लेवल फर्स्ट का कलाम का पेपर है, इसमें देख रहे हैं क्या आंसर हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए, अगर क्वेश्चन पेपरों की बात की जाए किस प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं, तो अच्छे लेवल के रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसी प्रकार के अधीनस्थ बोर्ड से आशा की जाती है पूछे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर के आंसर क्या होने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा है, इसमें पूछा है किस सभ्यता स्थल में ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले थे, तो वो आपके है गढ़ीसर से नहीं मिले थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है किस चौहान शासक ने
अशोक स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति उत्कीर्ण उड़ाई थी, तो वो थी आपके पूछ सकते हैं विग्रहराज चतुर्ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जैसे कि आयो इंग्रेज मुलर रे रूपक नाम कविता किससे संबंधित है, तो ये आपकी हो जाएगी बाकी दास, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्त जो आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं यानी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और दूसरे राज्य वित्त अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं, तो वो थे आपके हीरालाल देवपुरा वाले, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1991। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका संबंधित है, 86 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मजारे फकरी दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी गलियाकोट डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था, इसमें बताना था कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंदर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितने मिशन संचालित हैं, तो वो आपके 11 मिशन संचालित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्षम अलवर अभियान यहाँ से स्टार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से कथन बताना था कौन सा कथन है वो आपके संबंधित है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक से, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 नंबर, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उमेश मिश्रा। 92 है, इसको सुमेलित नहीं था वो चूज करना था, तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ये कन्हैया लाल ख्याल है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो ये आपकी हो जाएगी बूंदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 था कि गढ़ल्यो क्या है, तो गढ़ल्यो है ये आपका है मेवाड़ में दीपावली के बाद लड़कियों द्वारा गाया जाने वाला गाना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, जी गाया जाने वाला गीत बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नागौर बीकानेर चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि नाथरा की पार्क का करण क्षेत्र किससे संबंधित है, इनमें से पर्टिकुलर नाम बताना था, तो वो लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनास नदी पर ईसरा बांध है वो सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजस्थान में पवन यानी पहली पवन ऊर्जा कहाँ पर स्थापित की गई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो अमर सागर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कोशिका का अपमार्जक किस कोशिकांग को कहते हैं, यानी अपमार्जक का मतलब है जहाँ पर अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, तो वो आपके जानते होंगे लाइसोसोम में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, रीड 2021 में पूछा हुआ है, ये आपकी अंडरवाइनिंग होती है ना फैलोपियन ट्यूब उसमें होता है। दोलन गति के संबंध में सत्य कथन बताना है, चरम बिंदु में गति ऊर्जा शून्य होती है और मध्यमान स्थिति पर मध्यमान पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, ये गलत है, मध्यमान पर अधिकतम नहीं होगी, वो जो आपके चरम सीमा होती है उच्चतम उस पर होती है। हमें क्या बताना था, केवल इसमें तो कूट का सत्य कथन करना था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक सही है, इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्विमिंग पूल का पैदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, सिंपल अपवर्तन के कारण होता है ये, सॉरी परावर्तन नहीं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 103 का ये कह रहा है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 104, इसमें से बताना था सत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कोण 2 और कोण 3 अगर 3 को प्लस करते हैं तो 180 होगा, ये गलत है, बाकी सभी सत्य से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 105 नंबर, इसका राइट आंसर जब निकल के आएगा तो वो आएगा आपका 200 गुणांक, ठीक है, अगर सॉल्यूशन करना है तो आप कर सकते हैं इसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 106, इसका राइट आंसर जब निकल के आएगी जो दर बोलेंगे वो निकल के आएगी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा ठोस कण का, तो वो हो जाएगा राइट आंसर 192। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें से मध्य प्रवेश संख्या कौन सी होगी, तो वो आपकी होगी 21/40। ठीक है, अब RTX से संबंधित क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो इन क्वेश्चनों को अगर देखते हैं तो इसमें से नहीं है वो चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 110, इसका राइट आंसर हो जाएगा 110 का वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और 112 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये पूछा था आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही है, इस प्रकार ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 114 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक समूह का बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, जो इंदिरा गांधी से संबंधित पूछा गया था, इसमें 75,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा गर्त की सच्चाई प्रवृत्ति होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी वाक्य की तो विधि नहीं है तो वो दल से चढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है प्रथम पद और अंतिम पद को दर्शाता है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिस्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का अभिलेखन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण और समारोह के अर्वट उपागम और आपके मोरिचन उपागम में। ठीक है, ये असंगत बताना था, असंगत इसमें से हो जाएगा। अगर इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हर्बर्ट उपागम में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था, इसमें से क्या असंगत को छाटिए, तो वो फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, तो इस वजह से इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण दशाएं वाले सर्वाधिक चार्ट कौन से उपयोगी होंगे या संबंधित रहेंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये समस्या चार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक बच्चों को ज्यामिति आकृति सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री क्या होगी। ज्यामिति बॉक्स की बात की जाए तो हम कहेंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्यामिति आकृतियों को सिखाने में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम उसे बोल सकते हैं जियो बोर्ड। क्या बोल सकते हैं, जियो बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा द्वारा क्रमशः संबंधित है, यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक, ये क्वेश्चन लेवल टू में भी पूछा है, इसमें भी पूछा है, तो ये हो जाएगी दोनों योगात्मक में मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणात्मक तकनीक नहीं है, तो वो हो जाएगी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और नेक्स्ट है नैदानिक का तात्पर्य हो जाएगा, तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उपचारात्मक उपाय के होंगे, तो ये हम कहेंगे इसमें से एक दो एक तीन चार एक तीन और चार, ये वाले राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 127 था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदालिय राय। क्वेश्चन नंबर 128 था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपाल सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 129 था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय सर्वोच्च था। और क्वेश्चन नंबर है मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो वो आपका माना जाता है बाबर, ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 131 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और आपका क्वेश्चन नंबर 132 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत वासागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का, ये हो जाएगा नीलाकंस या नीलाकश, ठीक है, नीलाकाश है, ठीक है। और ये नदी से संबंधित था, इसमें पूछा था संधि और समाज दोनों, तो नील प्लस आकाश होता है तो नीलाकाश हो जाएगा, इस प्रकार इसमें संधि और समाज दोनों हो जाएंगे। सर्वनाम बतानी थी भाववाचक, तो इसमें से देखा जाए तो वो होगी ममता। और 135 का हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, और बताने की दृष्टि से शुद्ध बतानी थी, तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 37, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। और 38 का हो जाएगा आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या होता है, तो हम जानते हैं इसे बोलते हैं संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम, तो हम इसे बोलेंगे संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम, तो हम इसे बोल सकते हैं वाक्य निर्माण उपागम। बाकी 140 नंबर है, इसमें परिचय सही व्यवस्था कीजिए, अब देख लेते हैं। हम पहले करेंगे इनमें से देखा जाए, इसमें कोई क्रम ही नहीं दिखाई दे रहा है, पहले हम परीक्षण का स्वरूप देखेंगे, फिर उसका हम प्रश्नों का निर्माण, सॉरी प्रश्नों का निर्माण, तो हम नील पत्र की बात करेंगे, तो नील पत्र पर प्रश्न निर्माण, तो हम कहेंगे चार चार एक तीन चार एक पाँच, चार एक पाँच किसमें, चार एक पाँच, तो इसमें चार एक पाँच किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन इसमें किसी नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना, वाक्य रचना के प्रवाह की गति को मापने की वर्ट नैदानिक के मूल कितने पद थे, वाचन की प्रवाह गति को मापने के वर्ट की नैदानिक परीक्षा कुल कितने पद थे, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 200, यानी 200 शब्द थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो इंग्लिश से संबंधित है, जो है 142 में बताना था क्या आएगा इसमें से, तो 142 में आएगा वो आएगा आपका लव्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 143 की बात करें तो इसमें से हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 144 की बात करें तो इसका भी डी नंबर। और 145 की बात करें तो ए नंबर ऑप्शन। 144 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 145 का होगा हर बार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो ये हो जाएगा टू रिवेल ए सीक्रेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड बोलते हैं, प्रायोरिटी ऑफ द रीडिंग, पढ़ने पर ज़्यादातर बल दिया गया था, वो
डॉक्टर वेस्ट मेथड जो प्रत्यक्ष विधि है शायद उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 148 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और 149 ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूमुलेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये डेढ़ सौ थे, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है।